अंकित के जाने पर प्रियंका रोती हुई नजर आई। जिस तरीके से वो आंसू बहा रही थी, अंकित ने भी उसे बोला कि देख तू बहुत ज्यादा ओवर कर रही है, मत कर मत कर, ये गेम है, तू कर क्या रही है, तू चाहती क्या है। वहीं बाहर भी कई लोगों ने ये कहा कि प्रियंका की जो है ओवर एक्टिंग साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन अब बिग बॉस के एक्स कॉन्टेस्टेंट राहुल वैद्य ने लगातार कुछ ट्वीट्स किए हैं और वो कहते हैं प्रियंका रिएक्शन जब अंकित जा रहा था वो इतना ओवर द टॉप था, लिटरली मुझे 10-10 सेकंड आगे करके जो है शो देखना पड़ा, और जाते जाते ऑल्सो वो उसको टॉन्ट कर रही थी अंकित को, हद है यार। तो ये बात जो है राहुल ने लिखी, वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कल जब पूरा एपिसोड देखा तो उसके बाद उन्होंने और भी कई बातें लिखे। वो लिखते हैं कि टीना का कॉन्ट्रीब्यूशन इस शो में कुछ भी नहीं है, सिर्फ शालीन की बुराइयां करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं करती है इस शो में, और पता नहीं शालीन ने बजर भी उसके लिए क्यों दबा दिया। लेकिन एक बात जो उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट लिखी वो ये कि जो हम सब भी बात कर रहे थे कि ये लोग सब कितने ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद भी बिग बॉस ने किसी को कुछ नहीं बोला, तो ये बात अब राहुल वैद्य को भी जो है काफी सरप्राइज कर रही है। वो लिखते हैं मैंने आज का एपिसोड, आई हैव नॉट सीन टूडेज एपिसोड एंड एनी अदर सीजन ऑफ बिग बॉस, इवन माई ओन सीजन, बट टेल मी गाइज दैट इज नॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस दैट कि यहाँ पर एक पूरा ग्रुप बैठकर जो है खेल रहा है, गेम प्लान कर रहा है, और वो भी काफी लंबे समय से, और कुछ भी जो है कॉन्क्रीट नहीं किया गया इस ग्रुप को डिवाइड करने के लिए। तो ये अब राहुल वैद्य ने भी कहा है, और सबसे बड़ी बात यही थी कि ये लोगों ने बैठकर पूरा प्लान किया था नॉमिनेशन, और बिग बॉस ने उनकी प्लानिंग को सफल कर दिया, ऐसा किया जब अंकित को निकाला। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका पर राहुल ने बात कही है उसको लेकर लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोगों को कहना है जब आपको अपने घर जाना था तब आप भी तो इसी तरह परेशान हो रहे थे, अब प्रियंका के अपने इमोशंस हैं, अगर उसको अंकित के जाने पर तकलीफ हो रही है तो आप कौन होते हो जज करने वाले। तो कुछ ये लोग ये भी लिख रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो पूरा एक्टिंग की दुकान है और वो डेली सोप करती है, और इस रियलिटी शो में भी जब अंकित जा रहा था तो वो डेली सोप की एक्टिंग करती नजर आ रही थी। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।